दोस्तों 60 और 70 का दशक एक ऐसा दौर माना जाता है जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम दिया था, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, गोरे रंग और अभिनय की अनोखी अदा से गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री मुमताज का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी रूमानी अंदाज और इमोशनल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। भले ही आज ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हों, पर आज भी फिल्मी पर्दे पर इनकी झलक बरकरार है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इनकी नेटवर्थ के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर अपने दौर की गॉर्जियस अभिनेत्री रही मुमताज कितनी लग्जूरियस लाइफ जीती है और ये आज कितनी संपत्ति की मालकिन है। तो अगर आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री मुमताज के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की एवरग्रीन मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई भी यहीं से की। घर की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में अपना कदम रख दिया था। जहां बात करें इनके अभिनय करियर की, तो महज 12 साल की उम्र में ही इन्होंने फिल्म सोने की चिड़िया से इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी। इनके द्वारा किए गए अभिनय को काफी पसंद किया जाता है। शुरुआत में तो इनकी जोड़ी दारा सिंह के साथ जमी थी। दोनों ने फौलाद और रुस्तम-ए-हिंद जैसी एक्शन फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्में की जिनमें रोटी, प्यार का रिश्ता, बंधे हाथ, लोफर, अपराध और दुश्मन जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में इनके द्वारा किए गए अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया था, पर इन्होंने कुछ समय बाद ही फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, जहां इनकी आखिरी फिल्म साल 1990 में आंधियां थी। लेकिन इन फिल्मों में काम कर मुमताज ने काफी नाम और शोहरत हासिल कर ली थी और आज भी लोग इनकी इन्हीं फिल्मों को देखकर इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री की नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि मुमताज आज कुल 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। आपको बता दें कि अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री अपनी एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करती थी। इसके अलावा इवेंट अवार्ड्स और ओपनिंग सेरेमनी के लिए मुमताज 40 से 50 हजार रुपए चार्ज करती थी। वहीं बात करें इनके आलीशान घर की, तो इनका मुंबई के लोखंडवाला में आलीशान घर है जो करीब 2 करोड़ का है। साथ ही मुंबई में इनका एक फ्लैट भी है जो 1 करोड़ का है। इसके अलावा इनका यूनाइटेड किंगडम लंदन में भी एक आलीशान घर है जिसमें ये अपने परिवार के साथ रहती हैं और इनके इस घर की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास ग्रैंड ऑल्टो i10 जो 95 लाख की है, ऑडी XUV जो 86 लाख की है और मिनी कूपर जो 95 लाख की है, ऐसी कई लग्जूरियस गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, आपको मुमताज की नेटवर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।